हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर विशाल सर और आप देख रहे हैं मिस्टर विशाल सर की क्लास, डेली क्लास मींस रेगुलरी क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, माय ट्यूबर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो मैं आपको रेगुलर क्लास दे रहा हूँ, वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऐसे भी स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे। और जैसा कि गाइज मैंने बोला था कि वर्ब की वीडियो मैं आपको रेगुलर दूंगा, और चार पांच वीडियो देखने के बाद ना आपको कोई बुक ओपन करने की जरूरत है, ना कोई टीचर से पूछने की जरूरत है, और सिर्फ इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है गाइज। तो आज की इस वीडियो में मैं वर्ब के ट्रिक लाया हूँ, और आज 9 डेज है, इससे पहले मैं 3 वीडियो और मैं वर्ब का डाला हूँ, 2-3 और डालूंगा और आपके वर्ब जल्दी से क्लियर करके मैं अगले कोर्स में बढ़ूंगा। तो डियर गाइज, आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, ओके, पहले सबसे पहले लाइक के बटन के और पास क्लिक कर दीजिए, हमें लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। एंड आज की गाइज, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अक्सर लोग जो कंफ्यूज होते हैं, वो आज मैं फिर आपके लिए एक वर्ब लेकर आया हूँ, और ऐसे वर्ब आज मैं आपको रेगुलर बताने वाला हूँ। कुछ इरेगुलर होते हैं, आज मैं रेगुलर बताने वाला हूँ V2 और V3 के फॉर्म में। आज V2 का V3 का क्या फॉर्म है, मैं अक्सर इस वीडियो से आपको एक संदेश दे रहा हूँ कि मैं आपकी इंग्लिश स्ट्रांग करने चाह रहा हूँ, और आपकी इंग्लिश जो वीक होती थी, लोगों के सामने बात करने में हिचटेंस होते थे, आज से ऐसा बिल्कुल मैं नहीं होने दूंगा। और जैसा कि मैंने शपथ ले लिया हूँ कि यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्रेंडली, ओके, यू कैन ऑल्सो स्पीक वेरी स्वीटली इंग्लिश, यानी आप बहुत सारे स्वीट वर्ड बोलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वर्ब पढ़ाने वाला हूँ, आइए इस वर्ब को जानते हैं, ट्रिक एंड टिप्स को डालते हैं। डियर गाइज, एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप मुझे चैनल पे पहली बार देख रहे तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको डेली का क्लास मींस रेगुलर क्लास आपको मिलता रहेगा, और आपकी इंग्लिश छोटी छोटी वीडियो से मैं आपको डेली कंटिन्यू आपको स्ट्रांग कर दूंगा। तो आइए क्या जानते हैं उस ट्रिक एंड टिप्स, आइए आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वर्ब फ्रॉम ट्रिक्स, ट्रिक बहुत ही आसान तरीका, ओके, जानते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए टोटल मींस 6 ऐसे वर्ड मीनिंग लाया हूँ, जो जिसकी सिर्फ एक ट्रिक को आपको रेगुलर करनी है, आपके लिए प्रॉब्लम्स मतलब कभी आएगा नहीं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि झुकना को इंग्लिश में बेंड कहते हैं, ओके, झुकना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेंड कहते हैं भेजना, जैसे आप किसी मैसेज को भेजते हैं या कुछ भी, तो उसको जगह पर आपको क्या बोलते हैं, सेंड, ओके। और उसके बाद होता है उधार देना, उधार देना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंड। खर्च करना यानी स्पेंड, इसके एक और मीनिंग होती है, जब आप समय बिताते हैं ना तो स्पेंडिंग टाइम बोलते हैं ना, तो खर्च करना को स्पेंडिंग बोलते हैं, और समय बिताना को भी स्पेंड कहते हैं, ओके। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। समय बिताना को इंग्लिश में स्पेंड कहते हैं, फोड़ना को रेंड कहते हैं, और बनाना को क्या कहते हैं, बिल्ड कहते हैं, ओके, क्या कहते हैं, बिल्ड। अब चलिए आपकी विनिंग तो होगी, सर इसका क्या V2 में और V3 में फॉर्मूला है, अक्सर गाइज देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो पाते हैं जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं V2 और V3 में, और V2 जब तक आपके स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो आपके वर्ब क्लियर होंगे नहीं, कोई ना आप किसी बुक को पढ़ सकते हैं, ना किसी स्टोरी को पढ़ सकते हैं, आपको V2 और V3 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोग होता है बहुत सारे से सेंटेंसेस में। तो आइए आज मैं इसका V2 और V3 में क्या ट्रिक चलता है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग बिफोर यू, केयर माई वर्ड्स, आइए ध्यान देते हैं, बस आपको सिर्फ एक ट्रिक को करना है, ये लास्ट में पूरा आप जो डी देख रहे हैं ना, ओके, अक्सर एनी टाइप ऑफ डी जो लास्ट वर्ड आएगा ना, जो वेंड, सेंड, लेंड, स्पेंड, रेन एंड ब्लूड, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको पूरा डिक्शनरी से छाट के दे रहा हूं, और आपको प्रॉब्लम्स होगा नहीं। यहां पर जो आपको डी दिख रहा है ना, इस डी के स्थान पर आपको टी लगाना है V2 के फॉर्म में, कितना आसान तरीके। चलिए वेंड है तो क्या करेंगे, VENT वेंट, SPSENT टी लगा देंगे, सेंट, LENT लेंट, SPENT स्पेंट, कितना आसान है ध्यान दीजिएगा, RENT रेंट एंड BUILT ब्लूट, ठीक है ना। आप अक्सर लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखते होंगे, ब्लूट का तो हर जगह वर्ड मीनिंग में प्रयोग होता है, तो आपको क्या करना है, इस सब के डी के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, टी कर दिया V2 में, और अक्सर बस थोड़ा सा याद करना है, और बस अक्सर लोग मतलब जो कंफ्यूज होता था आपको दूर हो जाएगी। सर अब V3 में क्या फॉर्मूला है, मैं V3 में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान दीजिए, ओके, कुछ नहीं करना, जैसा आपने V2 में लिखा ना V3 में भी सेम टू सेम डाल दीजिए, क्या कर दीजिए, सेम डाल दीजिए, यानी इसमें भी अक्सर क्या लगेंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे। मैंने बोला था कि आज मैं आपको रेगुलर वाले वर्ड्स बताने वाला हूं जो आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होती है।
तो आपको फिर से मैं बोल देता हूँ, झुकना को वेंट, डी 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 डी, यू कैन चेंज टी 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 टी। ओके, कितना आसान ट्रिक है ना। और अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते थे ब्लूट में, स्पेंड में, अक्सर लोग जो सेंड में, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड थे। तो आज इस छोटी सी वीडियो से आपके छह वर्ड पावर स्ट्रांग है, साथ में साथ V2 और V3 आपको मिनटों में चेंज हो गए। यानी आपके ऐसे बहुत सारे ऐसे मैं ट्रिक एंड टिप्स दिया हूं जो पिछले के वीडियो में है। तो आप अगर आज के बाद आपको कोई टीचर मिस रटवाता है या कोई आप किताब उलटते हैं तो आज से ये सब काम करना बंद कर दीजिए। बस ट्रिक एंड टिप्स रखिए, वर्ब का प्रयोग, विदाउट वर्ब यू कांट डू नथिंग एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कुछ भी नहीं कर सकते। तो है ना ये कमाल की जानकारी। तो ऐसे ही इसी कमाल की जानकारी पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए और जल्दी से लाइक कीजिए ना। और एक काम और करना है आपको, बस शेयर, यू मस्ट बी शेयर यार, आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि शेयर करने से बहुत सारे लोग के पास, जिनके पास ये ट्रिक नहीं है, वो ट्रिक पहुंच पाए। मैं मिस्टर विशाल मिलूंगा नेक्स्ट ट्रिक एंड टिप्स के साथ। बाय टू ऑल, बाय बाय।